Hi guys, I'm Anvesha. We are doing a very, very, very good workout today with Manju from Food, Fitness and Fun, my friend who is a dietitian, also a fitness expert, fitness guru. हम करने वाले हैं आज workout for our belly fat, stubborn, the deep belly fat. अच्छा एक और चीज बता दूं, आज हम करेंगे वेरिएशन ऑफ क्रंचेस. किस किस टाइप के क्रंचेस कर सकते हो, सिटअप्स कर सकते हो, बटरफ्लाई क्रंचेस, सी टॉप क्रंचेस, जो एब्डोमिनल की मसल्स अंदर फैट की छुपी हुई है उनको हम ट्रेन करेंगे आज. मैं आपको यहाँ पर वर्कआउट दिखा दूंगी और रेपिटेशन क्या क्या आपने करनी है वो मैं लिख दूंगी. हम लोग आपको बस डेमोन्स्ट्रेशन ही दिखाएंगे आज. वेरिएशन ऑफ क्रंचेस एंड क्रंचेस आर रियली गुड, बट क्रंचेस अलोन वोंट हेल्प. यू हैव टू इंक्लूड इट इन योर ओवरऑल बॉडी वर्कआउट. ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे, पॉस्चर को सही रखेंगे एंड चलिए स्टार्ट करते हैं. दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसका चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो. लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्लीज शेयर द वीडियो. Hold your legs, lie down on your back, feet firm on the ground and you do your crunches. Your entire abdominal muscles, your abs are in function and inhale and exhale. You just raise your feet up as shown and do crunches just like this. And please use your abs and core completely. Get your back off the ground and breathe. Okay guys, so that was the belly fat workout that you can do at home, gym, park, anywhere.
whenever you get time, please do it regularly every day and see the benefits. Manju, kuch bataiye. Simple tip. आपको सिंपल टिप फ्रॉम मंजूनर अनेजा दिस टाइम, कीप योर कोर टाइट, कीप योर ब्रीदिंग नॉर्मल. अगर आप अपना कोर को टाइट नहीं रखेंगे, इट विल नॉट गिव यू एनी इफेक्ट. अनदर एक्सरसाइज, जब भी आप करें सिटअप्स, क्रंचेस लगाएं, मेक श्योर योर बैक इज ऑन द मैट, एज इन कोई भी गैप नहीं होगी. जस्ट फील कि आपके बैक के नीचे कोई पेपर रखा है, somebody is trying to pull it, और आपको उसको टाइट रखना है. So that nobody can be able to pull that paper up from your agreed. So these are two things which are very important. And apart from that, neck, don't use your neck, use your shoulders. हल्के से उनको round कर लीजिए. Use your shoulders while coming up. अगर neck use करेंगे, neck को थोड़ा सा पीछे रखेंगे, that will be good. You don't want to use your neck too much. Don't use this. Otherwise it will hurt your cause strain on your neck. Back also can hurt. Use your entire upper body for crunches. So that is one. See the difference, yeah, definitely. So thanks for watching. Thank you, Manju, for the amazing tips. So आज मंजू के टिप्स पर आपको अच्छा लगा, प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वर्कआउट करते रहिए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए. हैप्पी तो रहना बनता है, हैप्पी तो रहना ही पड़ेगा. चलिए, बाय.